हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, दोस्तों 2024 में जियो की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे हमें कोई जॉब मिले तो दोस्तों आप लोग को इस जॉब में आप लोग को ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यह जो जॉब है दोस्तों यह घर बैठे आप लोग को करना होगा। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को घर बैठे अपने मोबाइल से इस जॉब को करना होगा, ठीक है। और दोस्तों इस जॉब का जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से मिलेगा, और उसके बाद दोस्तों आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एक पैसे भी आपको फ़ी भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री में आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है और जमा करना है। तो कैसे करना है, कैसे आप लोग को जॉब मिलेगा, सारी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जियो का ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन एंड अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको न्यू यूजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों न्यू यूजर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अब क्या करना, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना है, यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड क्लिक करना है, कन्फर्म पासवर्ड फिर से यहाँ पे आप लोग को वही दोबारा देना है। उसके बाद अपना यहाँ पे अबाउट देना है, तो दोस्तों यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम आप लोग को लिखना है, लास्ट नेम आपका, जो भी जन्म तिथि है इंडिया को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, कैप्चर कोड यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला ये देना है। उसके बाद कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। दोस्तों आप लोग को OTP देके सबसे पहले आप लोग को यहाँ से ID पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ID पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में 3 लाइन देखने को मिल जाएंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जियो का जितना भी जॉब का जो वैकेंसी है सारे आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि दोस्तों हम पार्ट टाइम घर बैठे जॉब करें, तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे एक फ्रीलांसर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि फ्रीलांसर के ऑप्शन के सामने यहाँ पे 7,825 जॉब्स देखने को मिला, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके यहीं से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक इतना लोग अप्लाई कर लिया, आपको उसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर लेना है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि यानी हम लोग कस्टमर सर्विस में जियो में काम करें, तो दोस्तों आप लोग को जॉब करना चाहते हैं इसमें, दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कस्टमर सर्विस, इसके बगल में आपको देखने को मिलेंगे यानी 543 जॉब, यानी अभी तक इतना लोग यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग यहीं से अप्लाई करना है, तो आइए मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया दोस्तों, तो कुछ इस तरह की इंटरफेस आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि यानी कि किस डेट में कौन सी वैकेंसी को यहाँ पे आप लोग को अपलोड किया गया है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को 14 मई देखने को मिल रहा है, यानी 14 मई को यानी कि ये वाले वैकेंसी को अपलोड यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि अलग अलग स्टेट का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग सिटी का आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगे, तो आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जैसे कि आप कोलकाता में रहते हैं या फिर आप लोग पटना में रहते हैं, तो अगर आपको इस पेज में आपका सिटी आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपके यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएंगे, आप लोग उस पेज में आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे कोलकाता से अगर आप लोग हैं, तो अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आके देख लीजिएगा कि आप लोग को किस डेट को यह मतलब ये जॉब को यानी अपलोड किया गया, ठीक है। यानी कस्टमर सर्विस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ ये वाला चेक कर लेना है आकर। यहाँ पर आपको लोकेशन भी देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जियो में जो कस्टमर सर्विस है अगर हम लोग उसमें काम करें, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जॉब का पूरा यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या क्या आपको करना होगा आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। आपको कस्टमर सर्विस में जो काम आपको मिलेगा, आपको फ़ोन पे सब आपको करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा आपको कस्टमर से। तो जैसे कि आपको ये कर लेना है, आपको ऐसे ठीक कर लेना है, वैसे कर लेना है, जो भी है आपको फ़ोन पे कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग को इसके लिए एडुकेशन के लिए आपको दोस्तों यानी 10+2 आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास ये डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस दोस्तों आप लोग को जैसे कि 2 साल, जैसे कि मैक्सिमम 6 मंथ तक आपके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। आपके पास क्या क्या स्किल्स है आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको यानी 7 स्टेप में समझाया गया है कि आप लोग को लोकल भाषा में आप लोग को बातचीत करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपको अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
दोस्तों जो आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था उसमें आपको यहाँ पर देना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी आपका बेसिक डिटेल है, जैसे कि आपका जो भी आपका पर्सनल डिटेल है, आपको सब कुछ आप लोगों से ऐसे आप लोग यहाँ पर जो आपसे मांगेगा सब कुछ आप लोगों को पहले फिलअप कर देना है, ठीक है। तो फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पर एक आप लोग को रिज्यूम को आप लोग को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। इतना बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आप लोग को अपलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस आप लोगों को फिलअप करना है, ठीक है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है दोस्तों आपको सही से फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है दोस्तों, आप लोग को अगर आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो आपको इस बॉक्स के पे टिक करना है, और उसके बाद ये सब ऑटोमेटिक ये कॉलम फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब जो भी आपसे यहाँ पर डिटेल आपसे पूछेंगे, जैसे कि दोस्तों स्किल का, तो आपको यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को सही से ही फिलअप कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर दीजिएगा, आधार नंबर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास पैन कार्ड है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। सब कुछ करने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन सक्सेसफुल आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको वेट करना है, जो भी जियो का जो टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, और जो जो आपसे आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग अगर आप लोग सब कुछ में अगर आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं तो दोस्तों आप लोग को जियो में जॉब का आप लोग को यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह करके आप लोग को जियो में आप लोग को जॉब के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने जियो के ऑफिशियल पे जो मैं वहाँ पे आई थी, तो दोस्तों आपको डायरेक्ट क्या करना है कि मेरे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने इसका लिंक सेंड किया है, आप लोग वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट जियो के ऑफिशियल पे जा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।